श्रीनगर में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर अंधाधुंध फायरिंग की, दो पुलिसकर्मी शहीद। पीएम मोदी ने आतंकी हमले को लेकर मांगी है रिपोर्ट, बिना नाम लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का पीएम को लेकर क्या बयान है? 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन को लेकर कहां होगी आज बैठक? देश की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। श्रीनगर में आतंकियों ने एक बार फिर अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया। जेवन के पंथा चौक इलाके में जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस बल की गाड़ी पर आतंकियों ने फायरिंग की। आतंकी हमले में दो जवान शहीद हो गए जबकि 12 जवान घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले की जिम्मेदारी जैश से जुड़े कश्मीर टाइगर्स गुट ने ली। पीएम मोदी ने श्रीनगर के जेवन इलाके में हुए आतंकी हमले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा पीएम हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उधर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि लगातार कार्रवाई से आतंकी बौखलाकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है और हम जल्द ही उन्हें मार गिराएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा की बायोग्राफी लॉन्च के मौके पर पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी का बिना नाम लिए कहा कि मुझे उस दिन का इंतजार है जब देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जो लोगों के बीच धर्म के आधार पर फर्क ना करे। उनके मुताबिक भारत तब तक मजबूत नहीं बनेगा जब तक इस देश के लोग मजबूत नहीं बनेंगे। केरल हाईकोर्ट में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम की तस्वीर हटाने के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उन्हें प्रधानमंत्री पर शर्म आती है। न्यायमूर्ति पीवी कुन्नी कृष्णन ने कहा है कि पीएम को जनता ने चुना है, ऐसे में सर्टिफिकेट पर उनकी तस्वीर लगाने में क्या गलत है। याचिकाकर्ता ने जवाब में कहा कि दूसरे देशों में ऐसी परंपरा नहीं है, तो जज ने कहा कि उन्हें भले ही अपने प्रधानमंत्री पर गर्व न हो, हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर आज सुबह 10 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में एक बैठक होगी। बैठक में कई विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। इससे पहले भी मामले को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दल निलंबन वापसी को लेकर सांसदों के माफी मांगने की शर्त को मानने से इनकार कर चुके हैं। भारत पाक के बीच 1971 में हुए युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के अंतर्गत निकली स्वर्णिम विजय मशाल सोमवार को अपनी अंतिम पड़ाव गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची, जहां मशाल की अगवानी पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल अमित देव और एयरफोर्स के अन्य ऑफिसर्स ने की। मशाल को पिछले साल 16 दिसंबर को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से राष्ट्रव्यापी यात्रा पर रवाना किया था। जेएनयू में एआईएसए ने एडमिशन में वाइव का वेटेज कम करने को लेकर गंगा ढाबा से मार्च निकाला। एआईएसए कार्यकर्ताओं की मांग है कि वाइवा का वेटेज 30% से कम कर 10-15% कर दिया जाना चाहिए, इससे छात्रों को न्याय मिल सकेगा। एआईएसए कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर अपने चाहने वालों को वाइवा में अच्छे मार्क्स देकर एडमिशन देने का आरोप भी लगाया। 26 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली 3 टेस्ट मैचों की सीरीज से चोट की वजह से रोहित शर्मा बाहर हो गए। रोहित की जगह टीम में गुजरात के बल्लेबाज प्रियांक पांचाल को शामिल किया गया। रोहित को मुंबई में प्रैक्टिस सेशन के दौरान हाथ में चोट लग गई थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।